गुड़गांव में आतंकवादियों द्वारा जो घटना हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारत माता के वीर सपूत शहीद निसार अहमद को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार वालों को के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस परिवार से कहना चाहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके साथ खड़ा है, यहाँ के बहुसंख्य लोग भी आपके परिवार के साथ हैं और भविष्य में भी आपके परिवार को कोई दिक्कत न हो इसकी सब लोग मिलकर के चिंता करेंगे। यहाँ अब आतंकवाद के लिए जगह नहीं रहेगी, यहाँ की आवाम भी यही चाहती है। अनेक परिवार उजाड़ हो गए, वीरान हो गए, कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि में यहाँ के नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी तबाह कर दी। एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में इस घटना को लेकर के गुस्सा है, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ और संदेश बड़ा साफ और सीधा है, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की मदद करेगा उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहादुर शहीद निसार अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है कहना आज आवश्यक हो गया। यहाँ की धरती को यदि देखें तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है, यहाँ किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। अभी मुजफ्फर साहब ने बताया पिछले दिनों जब संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा हुई थी तो भारतीय आर्थिक सेवा का रिजल्ट आया और आप सबने देखा कि निगीनपुरा कुंडगांव के तनवीर अहमद खान ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया और केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया।